धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होने की धार्मिक मान्यता है। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के निमित्त किया जाता है। इस व्रत को करने से सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों वेदों पुराणों के अनुसार इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। सनातन धर्म में हरतालिका तीज का व्रत विशेष फल प्रदान करने वाला बताया गया है। हरतालिका तीज व्रत की और अधिक जानकारी लोकल 18 को देते हुए हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सनातन धर्म में जैसा कि सभी पर्वों का बहुत अधिक महत्व है, इसी प्रकार जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया अष्ट नक्षत्र हरतालिका तीज का पर्व है। यह पर्व सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवान शंकर जी भोलेनाथ जी की तपस्या जब पार्वती जी ने की थी उनको प्राप्त करने के लिए, तो उनका काफी समय तक, कई वर्षों तक उनकी पूजा की थी, उनके निमित्त व्रत किए थे और भगवान शिव को तपस्या करके प्राप्त किया। तभी से सनातन धर्म में परंपरा है, सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और मन वांछित फल प्राप्त करती हैं। सर्वप्रथम माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए 150 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनको अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त किया। तभी से सनातन धर्म में परंपरा है कि सौभाग्यवती स्त्रियां जब इस व्रत को करती हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो स्त्री है वो इस व्रत को करती हैं, उनको संतति एवं पुत्र पौत्र सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त धन धान्य सुख समृद्धि संपत्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस व्रत का जो करने का की विधि है वो इस प्रकार है, जैसे कि सावित्री और सत्यवान की कथा होती है और उसका भी एक वट सावित्री व्रत किया जाता है, जैसे एक हमारे करवा चौथ है। ये सब त्योहार पति की दीर्घायु कामना के लिए होते हैं, तो इन व्रतों को पूरे दिन एक बड़े ही पवित्र मन से और हमारा तन मन पवित्र हो और संपूर्ण दिन घर में स्वच्छता का ध्यान रखें। इस प्रकार से बहुत ही एक शुद्ध आचरण करने से यह व्रत पूर्ण माना जाता है।